आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप ने यानी कि जो एक नई पॉलिसी निकाली है व्हाट्सएप की, तो उसने क्यों निकाली, वाई व्हाट्सएप अपडेट न्यू पॉलिसी, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों जो यानी कि आपका व्हाट्सएप फेसबुक का है, तो फेसबुक ने सोचा कि ये गूगल और यानी कि जो यूट्यूब है उसकी जो एड्स हैं वो इतने रिलेवेंट कैसे होते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे कोई भी सर्च कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई सर्च किया गूगल पे कि गिटार अंडर 5000, आपने ऐसा सर्च किया तो गूगल सोचेगा अच्छा इसको गिटार चाहिए वो भी 5000 के नीचे नीचे, तो गूगल क्या करेगा फिर यूट्यूब को यानी कि बताएगा कि इस बंदे को ये चाहिए। तो जो आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियो चाहिए कोई भी वीडियो देखेगा तो वो आपको गिटार की एड पे दिखा देगा, तो आपको लगेगा अरे गूगल पे तो हमने सर्च किया गिटार चाहिए था हमें, हम यूट्यूब पे ऐड भी मिल गया तो आप उसको खरीद लीजिएगा। तो यही चीज़ ना गूगल यूट्यूब के को बता के यूट्यूब को थोड़ा सा अच्छा बना देता है। तो गूगल क्या करता है मेनली यानी कि गूगल के ज़रिए वो यूट्यूब को ढकेलता है, यूट्यूब को और अच्छा बनाता है। वैसे ही जो फेसबुक है, फेसबुक चाहता है कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक को ढकेले, तो वो ऐसा यानी कि इसलिए वो क्या कर रहा है, उसने मेनली व्हाट्सएप पॉलिसी में उसने क्या किया है, बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताया, लेकिन वो सब पहले से वो करता था भले ही आपको पता नहीं था, लेकिन मेनली दो ही चेंज है। एक है कि व्हाट्सएप पे, एक व्हाट्सएप का एक पे है जिस पे पेटीएम जैसे कैसे है वैसे ही व्हाट्सएप पे, उस पर आप पे कर सकते हो किसी को, तो पे कर सकते हो। तो वो यानी कि क्या करेगा कि व्हाट्सएप पे आपका यानी कि आप किसी को भी पे करेगा तो वो बता देगा, वो यानी कि वो फेसबुक को बता देगा कि इस बंदे ने यानी कि इतने पैसे पे किए। तो फेसबुक देखेगा कि अगर आपने मान लीजिए व्हाट्सएप पे के थ्रू यानी कि 1000 पे किए, तो वो सोचेगा इसने तो 1000 पे किए, तो फिर फेसबुक पे ऐड आता है, फेसबुक भी ऐड के ज़रिए कमाता है जैसे यूट्यूब ऐड के ज़रिए कमाता है, वैसे ही फेसबुक क्या करेगा कि अगर आप व्हाट्सएप पे के थ्रू 1000 किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो यानी कि किसी को भेज रहे हो, तो फेसबुक क्या करेगा कि आपको फिर वो उस हिसाब से ऐड दिखाएगा। अगर आप किसी को 5000 ही अगर आप दे रहे हो तो फिर वो आपको यानी कि और ये सब की तो नहीं दिखाएगा कि जो बंदा 1000 रुपये भेज रहा है महीने में किसी को, तो उसको वो ऑडी मर्सिडीज तो दिखाएगा नहीं। अगर कोई व्हाट्सएप पे के थ्रू 15 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख भेज रहा है, तो व्हाट्सएप फिर सोचेगा ये अमीर बंदा लग रहा है, फिर वो उसको मर्सिडीज ऑडी ये सब के दिखाएगा ऐड। तो यही चीज़ चाहता है व्हाट्सएप फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप के थ्रू। तो एक दूसरा एक ये हो गया उसका कि उसने एक दूसरा ये चीज़ निकाला है कि आपका यानी कि व्हाट्सएप का चैट देखेगा। तो उसने ऐसे ये चीज़ क्यों निकाला, उसने ये चीज़ इसलिए निकाला कि व्हाट्सएप के चैट देखेगा। तो मान लीजिए आपने चैट में लिखा कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपने उसको लिखा यानी कि मुझे एक फर्नीचर चाहिए, एक टेबल फर्नीचर, तो अगर तुझे आसपास की शॉप पर अगर तेरा अच्छा मिलता है तो बताइयो, तो व्हाट्सएप देखेगा कि अच्छा इसको फर्नीचर चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा वही उसी फर्नीचर का ऐड लगा देगा फेसबुक पे कि अच्छा इसको यानी कि फर्नीचर चाहिए, तो उसी का ऐड लगा दे। फिर आपको लगेगा कि वाह मुझे तो फर्नीचर लेना था, उसी का ऐड लगा इसने बता दिया, तो आप तो खुश हो जाएंगे कि वाह फेसबुक जो चीज़ चाहिए होता है फेसबुक पे उसका ऐड मिल जाता है। तो यही चीज़ चाहता है फेसबुक कि वो उसी के थ्रू ना यानी कि जैसे गूगल गूगल के जरिए यूट्यूब को ढकेलता है, वैसे ही फेसबुक चाहता है कि वो व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक को ढकेले। तो इसके व्हाट्सएप पे का एक और ये मैंने बता दिया आपको, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे मुझे जो वीडियोस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो और एक और बात कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है व्हाट्सएप के एक यानी कि डिटेल्ड यानी कि व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी में क्या क्या है उसके डिटेल्ड एक वीडियो बनाई हुई है, जाके आप उसको चेक चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे।